हमारे क्षेत्र में बड़े सौभाग्य की बात है और संपूर्ण नर्मदांचल और बुंदेलखंड के लिए कि एक ऐसी शख्सियत जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, हम लोगों को उनमें उम्मीदें और संभावनाएं बहुत दिखती हैं। हम लोग नरसिंहपुर के लोग उनको उनमें ओसो के आसपास उनको हम लोग पाते हैं। उनके अंदर जो आध्यात्मिक क्षमता है, उनके अंदर जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, जो वो काम करते हैं, उस पर साफ झलक दिखती है कि ये व्यक्ति इस देश के साथ साथ इस दुनिया को भी एक ऐसा दर्शन दे के जाएगा जिससे पूरे लोगों को लाभ मिलेगा। खूब चर्चाएं होती हैं, अध्यात्म के ऊपर होती हैं, व्यक्तिगत जीवनों के ऊपर होती हैं, वर्तमान में युवाओं की मनोदशा पर होती हैं, शिक्षा के ऊपर होती हैं, कृषि के ऊपर होती। वो फ्री उनको देख के ये कभी हम सोच नहीं सकते कि जिस फील्ड से उनका कोई लेना देना नहीं है उस पर भी वो बहुत गहरा अनुभव रखते हैं, और जब वो बात करते हैं तो आप समझ नहीं सकते कि कभी इनके मुख से ये बात निकल जाएगी, कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ये पुस्तक आई थी, मगर पढ़े जैसे ही उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद जिस तरीके से वो लिखी गई थी, उसके बाद तो ये लग रहा था कि ये पुस्तक धूम मचाएगी और इसको लोग स्वीकार करेंगे और ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होगी इनकी। पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ था, क्योंकि जिस दृष्टिकोण से उन्होंने उसके ऊपर प्रकाश डाला है वो बड़े गजब का है। मतलब ऐसा कहीं पढ़ने मिलता नहीं आमतौर पर। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद लगता है कि इस व्यक्ति का चिंतन कितना गहरा होगा और नजरिया और कितना डूबा होगा, तब ये पुस्तक इन्होंने लिखी होगी। और जब उनकी व्यस्तता देखते हैं तो ये इतना कहाँ से सोच लेते हैं, कैसे कर लेते हैं इसके ऊपर से। अब भाई हैं तो सीधी बात हो जाती कि भैया आप कैसे कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि पूरी की पूरी जो राम राज्य भैया, बोले मैंने मोबाइल के ऊपर टाइप करके लिखी है, कि जब भी मैं शूटिंग में होता था और जब फ्री टाइम मेरा होता था तो मैं उसको टाइप करता रहता था। तो हमने कहा भैया जी सब इतने विचार आपके अंदर कैसे आते थे? तो वो कहते हैं जी पूज्य दद्दा जी की कृपा है, मैं भी लिखने के बाद टाइप करने के बाद जब पढ़ता था तो मुझे खुद आश्चर्य होता था कि यार ये बात मेरे दिमाग में कैसे आई, ये तो मैंने कभी सोची नहीं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।